हेलो फ्रेंड, डीके कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का बेसिक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास पार्ट वाइज वीडियो आएंगे। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक कोर्स बिल्कुल ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। और हमारे वीडियो बिल्कुल ही सरल होते हैं और आपको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों ही पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों आइए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के फर्स्ट इंट्रोडक्शन के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आज हम बताएंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है कंप्यूटर? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। जिसका उपयोग हम गणितीय गणना या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, या फिर हम दूर स्थित व्यक्ति से जुड़ सकते हैं इसके द्वारा, या फिर हम रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं, जैसे कि कोई अपना फ्रेंड गुना में दे रहा हो तो उसके द्वारा हम इससे कॉन्टेक्टिविटी बना सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। कंप्यूटर क्या है? एक ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं हम, कंप्यूटर से ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर से हम जैसे कि बड़े बड़े हिसाब रहते हैं जो कंपनियां लेती है उसमें हम कंप्यूटर द्वारा वर्क करते हैं। तो कंप्यूटर ये है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट से चलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब लाइट से चलता है। तो आप समझ ही गए होंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए करते हैं और हम इससे दूर स्थित व्यक्ति जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर भाषा की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब हम जानेंगे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो आप कंप्यूटर का ऊपर का हिस्सा देख रहे होंगे जो आपको, आप उसको छू सकते हो, हाथ से छू सकते हो, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर के अंदर चलते हुए फंक्शन देख रहे होंगे, जैसे कि एक लाइन चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। जैसे हम हाथों से नहीं छू सकते जो अंदर रहता है कंप्यूटर में, हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो बाहर की चीज़ें रहती है जिसे हम हाथ लगाकर छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, सीपीयू हुआ, ये आदि चीज़ों का हम हाथ से छू सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये कंप्यूटर दो भागों में बटा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आपको बिल्कुल ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, आपको प्लीज़ बोलना हो, इसलिए मैं इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बिल्कुल मजाक ही मजाक में पढ़ा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी कंप्यूटर कोर्स को इतना सीरियस होकर ना पढ़े। अगर आप भी सीरियस होकर पढ़ेंगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि सीरियस होकर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें बोर्स होने लगते हैं। अगर उस चीज़ को मजाक ही मजाक में पढ़ते हैं तो वह चीज़ याद भी रहती है और बोर भी नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने घटक होते हैं। तो कंप्यूटर के मेन तीन घटक होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। क्या करते हैं? जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। जैसे कीबोर्ड हुआ, अब कीबोर्ड के जरिए हम लिखेंगे उसमें, ठीक है, टाइपिंग करेंगे कीबोर्ड के जरिए, तभी तो हम कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन भेज पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड की बटन प्रेस करते हैं तो उसकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा भेज पाते हैं। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, माउस, माउस चलाते हैं जब हम, क्लिक क्लिक करते हैं तभी कंप्यूटर के अंदर डाटा डलता है, तभी हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर पर प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि हम कुछ भी डाटा डालते हैं तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? जैसे कि हमने अभी इसमें कुछ भी डाटा डाल दिया कंप्यूटर में, तो उसको कंट्रोल करने वाला डिवाइस ही प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सीपीयू, देखो सीपीयू
स्टोर कहाँ पे करेगा, उसकी रैम हुआ वगैरह उसमें स्टोर करेगा, रैम और रोम में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सीपीयू क्या, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। हाँ बउआ, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं इसको। आप वीडियो को इतना ये मत ले क्योंकि मैं कुछ भी कह देता हूँ बीच बीच में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, तो तीसरे नंबर पे कौन सा बचा, आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस हम डाटा डालते हैं तो आउटपुट डिवाइस से डाटा निकाल लेंगे, सिंपल सा है। हाँ, तो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी डाला, ठीक है, मॉनिटर हुआ, जो मॉनिटर के अंदर हमको लाइट चलती हुई दिखाई देती है और वह लाइट बाहर आ रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइस। जैसे साउंड हुआ, क्या हुआ, साउंड हुआ, साउंड में लाइट, सॉरी, साउंड में जो साउंड चलता है उससे आवाज बाहर आती है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे कि साउंड हुआ, मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, हेडफोन हुआ, प्रोजेक्टर हुआ आदि। तो ठीक है दोस्तों, आज हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, इसमें छोटा सा, डेस्कटॉप किसे कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, हम इसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और आइकॉन होते हैं, टास्क बार होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरिकल पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार हम पार्ट वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। यह हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने आपको बताया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर कितने घटकों से मिलकर बना होता है। तो हमने आज आपको डेस्कटॉप के बारे में बताया, डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, डेस्कटॉप में एलिमेंट्स होते हैं और टास्क बार होता है, आइकॉन होते हैं, फाइल होता है, फोल्डर होता है, वॉलपेपर होता है। जैसे कि जो सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस पर हम किसी भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, हम इसी को डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे फोल्डर होते हैं जो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को चलाते हैं, हम इसी को ही कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार शॉर्टकटली रिविजन कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग हम गणितीय गणना और सूचकों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के तीन घटक होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम डाटा डालते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर। और आउटपुट डिवाइस की सहायता से हम डाटा निकालते हैं जैसे मॉनिटर, साउंड, पेन ड्राइव, स्कैनर आदि। और प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि हम डाटा डालते हैं, निकालते हैं, इस पर सब कुछ कंट्रोल प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके दोस्तों, डेस्कटॉप के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हमारा सेकेंड वीडियो जल्दी ही आने वाला है। सेकेंड वीडियो में बिल्कुल आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कंप्यूटर पर चला के बताऊंगा। इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना है, इस वीडियो में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हमारे वीडियो इतने बड़े बड़े रहते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।